नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम डेट 2020। तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 23 फरवरी 2020 के हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट्स क्या निकल कर आ रही है, आइए उसको देखते हैं। क्या दोस्तों जूनियर स्कूलों में शिक्षक भर्ती से डीएलएड आपका बाहर हो चुका है? जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली है। इस अपडेट को हम पूरा देखेंगे, उसके बाद दोस्तों डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफी कॉलेजेस में ऐसी बातें हो रही है कि वहां पर एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है डीएलएड का। उसके बाद हम दोस्तों डिस्कस करेंगे इस वीडियो के दौरान कि प्रथम सेमेस्टर एग्जाम डेट आपकी कब से हो सकती है और जो आपका तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा है वो कब से शुरू होगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स इस वीडियो के दौरान देखने को मिलेंगी। और दोस्तों कितने शिक्षक भर्तियों में डीएलएड के छात्रों को मौका मिलता है इसको भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की एक एक अपडेट्स को देखेंगे, पीएनपी से क्या अपडेट्स आ रही उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे नहीं शुरू हो सकी जूनियर स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती, इस भर्ती में जूनियर टीईटी पास को मिलेगा मौका। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पेपर टू दे रखा होगा उसको पास किया होगा तो दोस्तों आपको मौका दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अधूरी शिक्षक भर्तियों को निपटाएगा नया शिक्षा सेवा आयोग, बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभागों का परामर्श भी शासन को मिला। तो दोस्तों चलिए एक एक अपडेट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो आज की सबसे बड़ी अपडेट होगी आप सभी छात्रों के लिए, क्या अपडेट आई कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब तक नहीं शुरू हो सकी है। प्रदेश सरकार ने दिसंबर में हुई कैबिनेट की बैठक में मान्यता प्राप्त जूनियर स्कूलों में शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए टीईटी ट्रेंड अभ्यर्थियों को पात्र बताया था। इसमें 50% अंकों के साथ स्नातक व बीएड को वरीयता दी जानी है। तो दोस्तों आप यहां समझिए यहां पर क्या लिखा, लास्ट टाइम फिर से इसको ध्यान दीजिए जरा, इसमें 50% अंकों के साथ स्नातक व बीएड को वरीयता दी जानी है। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे यहां पर डीएलएड का कहीं भी नाम मेंशन नहीं किया गया, मतलब दोस्तों सिर्फ क्या बीएड के छात्रों को मौका मिलेगा। दोस्तों पहले आपने देखा होगा काफी न्यूज़पेपर में ये भी अपडेट आई थी कि इसमें डीएलएड के छात्रों को मौका दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दोस्तों हमारी अपडेट नहीं, आप न्यूज़पेपर के माध्यम से दोस्तों ये अपडेट्स हैं। और उसमें साफ साफ दोस्तों मेंशन किया गया कि इसमें अगर आपके भाई स्नातक मतलब ग्रेजुएशन में आपके 50% कम से कम और बीएड आपको करना जरूरी है। पूरी अपडेट्स को हम देखेंगे, जिले में कुल 83 मान्यता प्राप्त जूनियर स्कूल हैं, इन पर अप्रैल 2019 में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। पूर्व में विद्यालय के प्रबंधक द्वारा इन स्कूलों के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जाती थी। दिसंबर में प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में मान्यता प्राप्त जूनियर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ करते हुए आयोग का गठन कर उसके माध्यम से परीक्षा कराने के बाद नियुक्ति की बात कही थी। इसमें टीईटी ट्रेंड व 50% अंकों के साथ स्नातक व बीएड करने वालों को वरीयता देने की बात कही गई है। इसके बाद लखनऊ में चयन आयोग का गठन कर दिया गया, लेकिन अब तक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। हालांकि जिले के सभी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों से रिक्त पदों की सूची मांगी गई है, इन्हें 23 फरवरी तक सूचना देने को कहा गया है। सूचना मिलने के बाद पद की विज्ञप्ति मतलब होगा पद विज्ञापित होगा आपका, उसके बाद परीक्षा कराई जाएगी, सफल होने पर ही नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट्स होगी कि अगर इसमें डीएलएड के छात्रों को मौका नहीं मिलता तो दोस्तों मतलब आपके हाथों से एक और शिक्षक भर्ती निकल जाएगी। जी हां दोस्तों, देखिए अब बीएड करने वाले छात्रों को कितनी नौकरी में फायदा मिलता है मैं आपको बता दें, अगर आप बीएड करते तो आपको दोस्तों टीजीटी पीजीटी का फायदा मिलता। अभी दोस्तों आपकी एक वैकेंसी चल रही करंट में बीईओ, जी हां दोस्तों इसके आवेदन कंप्लीट हो चुके हैं, अब आप आवेदन तो नहीं कर पाएंगे। इसका दोस्तों नाम होता है खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ का मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इन दोनों शिक्षक भर्तियों दोस्तों आपको सिर्फ बीएड करने के बाद ही मौका मिलता है, अगर आपने बीएड नहीं किया डीएलएड किया दोस्तों तो आपको मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आज की आपकी ये न्यूज़पेपर की अपडेट्स, यहाँ पर भी दोस्तों आपने देखा सिर्फ बीएड की ही बात कही गई, यहाँ पर भी डीएलएड छात्रों को मौका देने की बात नहीं कही गई। तो दोस्तों ये सब अपडेट्स हैं, तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जितनी शिक्षक भर्तियाँ आती तो उसमें कहाँ कहाँ डीएलएड के छात्रों को मौका मिलता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि कितनी शिक्षक भर्तियों में आपके डीएलएड के छात्रों को मौका मिलेगा, समझिए। जो दोस्तों आपके कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जितनी भी नौकरी आती है उसमें डीएलएड के छात्रों को मौका दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आप प्रमोशन पाके कक्षा 6 से लेकर 8 तक के टीचर बन जाते हैं, ठीक है ना, कक्षा 6 to 8। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अगर आपकी कोई सेंट्रल में वैकेंसी आती है, अगर आप सीटेट की परीक्षा पास करते हैं, आपने देखा होगा ना आपके यहाँ होगा केंद्रीय विद्यालय, ठीक है ना, तो उसमें दोस्तों पीआरटी मतलब प्राइमरी शिक्षक भर्ती, तो दोस्तों उसमें भी आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के आप योग्य माने जाते हैं।
तो मतलब देखिए, अपर क्लास में पढ़ाने के लिए तो आपके पास बीएड होना जरूरी है। अब बीएड के छात्रों को फायदा कैसे मिलता है इस बात को समझिए। बीएड के छात्रों को दोस्तों ये दोनों बड़ी शिक्षक भर्ती और बाकी दोस्तों हर एक शिक्षक भर्ती में आप इनको फायदा मिलेगा। कक्षा एक से लेके जितने भी दोस्तों क्लास तक मतलब बीएड के छात्रों को मौका मिलेगा। कक्षा एक से लेके पांच तक पहले बीएड के छात्रों को मौका नहीं दिया जाता था, अब लेकिन दोस्तों इनको भी मौका मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि अगर आज 2020 की दोस्तों हम बात करें 23 फरवरी 2020 तक, जी हाँ दोस्तों, अगर आज की डेट में आपको कुछ करना हो तो आप आंख बंद करके ये कहेंगे कि भाई हमें बीएड करना है। बीटीसी तो दोस्तों और डीएलएड कोई नाम ही नहीं लेगा इसका। दोस्तों रीजन ये है कि आपको काफी जगह से मौका नहीं दिया जाता। उम्मीद करेंगे दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करके बताएंगे कि देखिए होता क्या है ना कि काफी छात्र दोस्तों अपनी आवाज उठाते नहीं। आपको एक बात बताएं, जिस समय दोस्तों आपका मैटर हुआ था, यहाँ पर दोस्तों आपका मैटर इन द सेंस है कि जब दोस्तों बीएड के छात्रों को मौका दिया गया था दोस्तों, ये बात आपकी 2018 की है। तो दोस्तों अगर उस समय डीएलएड के छात्र अगर चाहे होते हैं तो बीएड के छात्रों को मौका ना मिल पाता। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, डीएलएड के छात्रों ने आवाज उठाई होती तो बीएड के छात्रों को मौका ना मिल पाता। इसका दोस्तों रीजन ये है ना कि बीएड के छात्रों को ऑलरेडी इतने मौके मिलते हैं, काफी शिक्षक भर्ती में दोस्तों बीएड के छात्रों को फायदा हो रहा है। तो आप ऐसा होने से दोस्तों डीएलएड पूरी तरीके से समझ लीजिए खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि बीएड के छात्रों को हर जगह मौका मिलेगा तो आप डीएलएड करेंगे ही क्यों। ठीक है, आप भले दोस्तों आप लोग प्रथम सेमेस्टर एग्जाम डेट का वेट कर रहे हो तृतीय सेमेस्टर का, लेकिन दोस्तों आपको ये बात जब पता चलती होगी तो कितना बुरा लगता होगा कि आपको बड़ी बड़ी शिक्षक भर्तियों में मौका नहीं मिलने वाला। तो इस अपडेट को पहले आप देखिए तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी कि कितनी शिक्षक भर्तियाँ आती हैं। देखिए, अधूरी भर्तियों को निपटाएगा शिक्षा सेवा आयोग, परीक्षा नियामक प्राधिकारी आपका पीएनपी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की अधूरी भर्तियों को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरा करेगा। सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जुटी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। इस पर बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभागों का परामर्श भी शासन को प्राप्त हो चुका है। नियमावली के ड्राफ्ट को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने का इरादा है। शिक्षा सेवा आयोग परिषदी प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों व प्रधान अध्यापकों और सहायता प्राप्त हाई स्कूलों के एलटी ग्रेड शिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर करेगा। वही सहायता प्राप्त हाई स्कूलों के प्रधान अध्यापकों, एडेड इंटर कॉलेजों के प्रवक्ता व प्रधानाचार्य और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए होगा। अभी बेसिक शिक्षकों की भर्तियां परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से की जा रही है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व प्रधान अध्यापकों का चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, आपकी जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी आएगी ना, उसमें भी दोस्तों आपके बीएड छात्रों को ही मौका मिलेगा। ठीक है ना, एलटी ग्रेड में भी दोस्तों आपके डीएलएड छात्रों को मौका नहीं मिलता है। तो मतलब दोस्तों साफ है कि बीएड करने से आपको काफी ज्यादा फायदा होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगर आपको प्रथम सेमेस्टर एग्जाम डेट की दोस्तों जितनी भी अपडेट्स है, तो उसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक प्रॉपर लिंक दे रखा है। जाइए दोस्तों, उस लिंक को आप चेक करते रहिए और लिंक को दोस्तों आप चेक करते समय एक बार अपने रिफ्रेश बटन, जी हाँ दोस्तों रिफ्रेश का मतलब होता है ना कि अपने फोन को थोड़ा नीचे करके स्वाइप कर दें तो रिफ्रेश हो जाता है पेज, तो उसको रिफ्रेश करना जरूरी होता है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है ना कि पुरानी चीजें दोस्तों आपको खबर मिलती रहती है, तो उस पेज को हमेशा अपडेट करिए। और दोस्तों समय देखिए, उसमें दोस्तों वेबसाइट पर जो लिंक रहता है उसमें हर दिन की दोस्तों आपकी अपडेट्स आती, मतलब आज उसमें भी दोस्तों होना चाहिए कि 23 फरवरी की आप अपडेट्स को देख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, जितनी भी अपडेट्स आएंगे सबसे पहले आप वहां देख पाएंगे। जो भी दोस्तों आपकी परीक्षा की तारीख का दोस्तों जो ऐलान होगा, सबसे पहले दोस्तों आप वहां पर देख पाएंगे किस दिन से आपका किस समय से परीक्षा होगी। ठीक है, और दोस्तों जो ये अपडेट्स निकल कर आ रही थी कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है, उसकी सच्चाई क्या है उसको समझिए। देखिए दोस्तों, काफी जगह आपको पता होगा छात्रों की स्कॉलरशिप का आना शुरू हो चुका है, काफी जगह छात्रों की स्कॉलरशिप मिल रही। होता क्या है कि कुछ छात्र दोस्तों, आप डीएलएड की हालत तो उतनी अच्छी है नहीं, आपको पता है दोस्तों आपकी फीस 41,000 होती है प्राइवेट कॉलेजेस में, लेकिन दोस्तों कुछ छात्र होते हैं जो आरक्षित वर्गों से आते हैं, एससी एसटी या आप जनरल से भी आते हैं दोस्तों, तो होता क्या है ना, या दोस्तों आप ओबीसी से आते हो, ठीक है ना, तो कॉलेज वाले क्या करते हैं दोस्तों, जब उनके पास मान लीजिए 50 सीटें खाली जा रही हैं या दोस्तों उनके पास एक सीट भी खाली है, जब उनको पता चल जाता है यार ये सीट तो हमारी खाली ही रहने वाली है, तो कोई छात्र दोस्तों अगर एक भी पैसा नहीं, जीरो फीस देता है दोस्तों, तो भी उनका एडमिशन करा लिया जाता है। एक शर्त पर दोस्तों, उनकी जो स्कॉलरशिप आती है पहले से उनके अकाउंट डिटेल्स जो होता है ना, एटीएम कार्ड, ये सब कॉलेज वाले जमा करा लेते हैं। या दोस्तों कभी कभी दोस्तों कुछ छात्र 10,000 रुपये जमा करके एडमिशन ले लेते हैं, कुछ छात्र 5,000 रुपये या कुछ छात्र 20-20,000 रुपये भी जमा करके एडमिशन लेते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस होता है, ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता होंगी।
तो होता है क्या दोस्तों, अगर आप पहले तो कुछ पैसा जमा करके कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं 10,000 20,000, तो अब दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म के बहाने आपसे पैसे निकलवाए जाते हैं। मान लेते दोस्तों अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती तो आपने सिर्फ 10,000 पेमेंट किए, तो हो सकता है कि आपसे भाई 31,000 रुपये और लिया जाए, क्योंकि कॉलेज वालों का यहाँ पर नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ें होती है दोस्तों। तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का बात करके आपको डराया जाता है कि आप आए कॉलेज में पैसा दें। देखिए जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म होता है वो DLED में यूपी में एक साथ हर जगह भराया जाता है। ये मत सोचिएगा कि आपके कॉलेज में पहले भरा दिया जा रहा है, कहीं पर बाद में भरा जाएगा। ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है, तो आपको पता है कि ऑनलाइन का मतलब होगा दोस्तों जब आपके कॉलेज में भरा जाएगा तो यूपी के हर एक कॉलेज में उस समय दोस्तों आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो उसको लेकर आप ज़्यादा चिंतित मत होइएगा, सारी अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। और दोस्तों बात रही कि जूनियर की जो भर्तियां हैं इसमें आपको मौका मिलेगा या नहीं, दोस्तों अभी दोस्तों जब तक इसका विज्ञापन जारी नहीं होगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों जो आज की न्यूज़पेपर की अपडेट्स हैं इससे दोस्तों तो बुरी खबर होगी डीएलएड के छात्रों के लिए, कि मतलब आपको दोस्तों हमें नहीं लगता इस अपडेट के बाद दोस्तों कहीं पर ऐसा लिखा है यहाँ पर कि डीएलएड के छात्रों को मौका मिलेगा। दो दो बार दोस्तों बात हुई बीएड के छात्रों को मौका दी जाने की, लेकिन डीएलएड के छात्रों को दोस्तों कहीं बात नहीं हुई। देखिए आपने आप ही देखा होगा बीएड करने वालों को वरीयता देने की बात कही गई है, मतलब दोस्तों डीएलएड छात्रों को भी वरीयता दी जानी चाहिए। उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग देखिए अपने आप को भी सपोर्ट अगर आपको दोस्तों करना है तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने हर एक दोस्तों के साथ डीएलएड के छात्रों के साथ पहुंचाइएगा। जो छात्र आपके दोस्त डीएलएड कर रहे हैं व्हाट्सएप आपका ग्रुप होगा वहां पर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए बात क्या है ना, तो आपको भले मौका ना मिले लेकिन दोस्तों इस समय जो छात्र तृतीय सेमेस्टर में आते हैं थर्ड सेमेस्टर में, ये वैकेंसी दोस्तों ऐसा नहीं कि कल की कल आ जाएगी। अभी तो आपका दोस्तों आयोग का ही गठन हो रहा है, आपने इस अपडेट से देखा दोस्तों कि आपका जब आयोग बनेगा देखिए जो छात्र इस समय थर्ड सेमेस्टर में, ये वैकेंसी आपके 2020 के एंड तक आ सकती है, ठीक है ना। तब तक डीएलएड का तृतीय सेमेस्टर का सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, फोर्थ में आ जाएंगे वो। 2017 बैच दोस्तों आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 2018 बैच भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ 2019 बैच के छात्रों को हो सकता है मौका ना मिल पाए, लेकिन दोस्तों मेन बात है कि डीएलएड को ही मौका मिलेगा यानी, ये बात दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है सभी छात्रों के लिए और जो छात्र आने वाले समय में डीएलएड करेंगे उनके लिए भी। क्योंकि आपको पता है कि बीएड में दोस्तों आजकल जो सीटें वो लिमिटेड हो गई हैं। बीएड में पहले क्या होता था, लोग डीएलएड के लिए दौड़ते थे, अब बीएड के लिए दौड़ने लगे हैं, क्योंकि बीएड करने के बाद आपको मौका ज़्यादा मिलता है। देखिए मेन बात होता है कि मौका जितना ज़्यादा दोस्तों आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है उतने दोस्तों ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको नौकरी पाने के, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों हमने जो कमेंट बॉक्स में आपके लिए लिंक दे रखा है, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर की जी हाँ दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल डाउनलोड करनी है उसकी भी दोस्तों हमने प्रॉपर लिंक आपको दे रखी है, तो उससे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्ट।